एक्सरसाइज 1.2 के हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 2 करते हैं, जिसमें है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब यूनियन जो है हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सीखी हुई है कि यूनियन हम कैसे निकालते हैं, तो आज हम उसे यूनियन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर उसे ड्रॉ करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है वो ए यूनियन बी के है, तो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये वही नंबर्स मेंबर्स लिए हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। तो ए बराबर ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन। अब बी है तो बी के मेंबर लिखेंगे, जो बी के मेंबर भी वही लिखे जो क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं, तो बी इज इक्वल टू है 1, 3, 5, 7। अब यूनियन के अंदर हमें हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा कि उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वैसे करते हैं कि दोनों सेट्स के मेंबर जो होते हैं उनकी तरतीब बनाकर हम लिखते हैं। तो तरतीब के लिहाज से इनमें से सबसे पहले नंबर जो आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, फिर उसके बाद इस तरीके से हम इसकी तरतीब बना लेंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले छोटे में छोटा जो या तरतीब के लिहाज से वन आएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 7। अब 6 बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों में 6 है ही नहीं, जो नंबर मौजूद होंगे उसके लिहाज से हम तरतीब बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड्स में ए यूनियन बी जो बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 7 के है, और अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, बी यूनियन ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 यूनियन 1, 2, 3, 4, 5। अब इस राइट हैंड साइड में बी पहले था तो बी पहले, बी की वैल्यू पहले लिखी है, बाद में ए की वैल्यू हम लिखेंगे। इसी तरीके से अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमने तरतीब बनाकर दोनों सेट्स के मेंबर्स की बनाई, तो इसी तरीके से अब बी यूनियन ए इज इक्वल टू दोनों में से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। तो इसमें भी हमने तरतीब बना ली। अब हम चेक करते हैं कि दोनों साइड्स के आंसर हमारे एक जैसे है या नहीं। तो एक जैसे होंगे तो फिर सही होगा, अगर एक जैसे दोनों साइड्स पे मेंबर्स नहीं होंगे सेट के तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, तो ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड बी इज इक्वल बी यूनियन ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7, यानी हमारी दोनों साइड्स के मेंबर एक जैसे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो आज का लेक्चर हमारा ये था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच।